हेलो एवरीवन। तो आज हमें बहुत खुशी है, आप लोगों को भी होगी, कि हम अपने PYQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और होप सो ये सीरीज़ बहुत सक्सेसफुल हो, आप लोगों को पसंद आए। इनमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF द सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ये मैंने आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आपने पोस्ट कर दी है। आप वहाँ से PDF पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए और इस वीडियो को तभी देखिए जब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत हमें है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स, जो जिन्हें ज़रूरत है फ्री एजुकेशन की, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपके जूनियर्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, बड़े आराम से हम इसे देखेंगे, कि एक आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है, वो BCC स्ट्रक्चर में है पहले, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। पहले आयरन BCC स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहा है रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है FCC स्ट्रक्चर में, ठीक है। BCC से FCC हो गया, अगर 900 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर किया, ठीक है। द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो डेंसिटी है उसका रेशो टू द डेंसिटी ऑफ आयरन एट 900 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इन्होंने पूछा है हमसे। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हम ये रफ कर देना चाहिए हमें स्पेस के लिए थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपने ये पूछा गया है, इसमें ये कह रहा है हमसे कि डेंसिटी ऑफ आयरन आयरन की ही है दोनों केसेस में। पहला केस क्या है, BCC में, तो BCC डिवाइड बाय रेशो FCC, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, एक और चीज़ इसमें मेंशन की, कि एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो मोलर मास और एटॉमिक रेडियाई आपके कांस्टेंट हैं। तो हमने आपको सॉलिड स्टेट में जब हमने डिस्कस किया था, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा सॉलिड स्टेट का, उसमें हमने आपको बताया था कि डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है इन सॉलिड स्टेट, Zm अपॉन a³ na। यहाँ पर हमारा Z क्या है, Z आपका होता था नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, चाहे वो BCC हो, इन ए यूनिट सेल की BCC हो सकता है तो दो होंगे, FCC होगा तो चार होंगे, और सिंपल होगा तो एक होगा। M क्या था आपका, मोलर मास, A क्या था आपकी एज लेंथ थी, और Na मीन्स एवोगेड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि BCC और FCC की रेशो बताओ, और कह रहा है हमसे ये तो सेम है। तो जब भी रेशो के क्वेश्चन आए, आप एक बात जान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें मिल गया रेशियो के, कि एक चीज़ दूसरी पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो मोलर मास इन्होंने कह दिया सेम, सेम मीन्स आपका कांस्टेंट। आपने एवोगैड्रो नंबर पता है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑलरेडी, भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा। 6 क्या थी, 6 × 10⁻², 23 या 24, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अभी टाइप कर दें, क्योंकि इसी से तो नॉलेज चेक होती है। ए क्या होता है आपकी एज लेंथ, अब एज लेंथ में आपने पढ़ा होगा एज लेंथ डिपेंड करती है रेडियस के, तो इन्होंने कहा है कि रेडियस भी कांस्टेंट है आपकी टेम्परेचर के साथ, तो क्या एज लेंथ भी कांस्टेंट नहीं होगी, एज लेंथ भी कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड कर गई भाई, मोलर मास भी इन्होंने कांस्टेंट बता दिया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, एज लेंथ भी आपकी रेडियस के साथ वेरी करती है, रेडियस कांस्टेंट कह रहे हैं ये, तो ए भी कांस्टेंट होगा। ये तो क्या, एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर, तो बचा सिर्फ जेड, तो डेंसिटी जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी जेड पर, जेड पर ये डिपेंड करेगी। अब देखते हैं हम
कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक मिस्टेकन पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया, स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर रेडियस कांस्टेंट है आपका, कि रेडियस अगर कांस्टेंट है तो हमें इसकी भी वैल्यू पुट नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कांस्टेंट है तो हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। वो चीज़ तब नहीं करनी आपको जब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। ए के फॉर्मूलाज क्या पढ़े थे, एक बार ए के फॉर्मूलाज को आप रिकॉल कर लें इसे रब करके, ये आप नोट कर लीजिएगा, तो समझाने वाली चीज़ थी, ये भी आपको पता ही है, हमें तो ये निकालना है। तो ए के एज लेंथ के क्या फॉर्मूलाज थे, बात करें बी सी सी की, तो बी सी सी में क्या होता था, फोर आर जो होता था इज इक्वल टू क्या होता था, एक बी सी सी मीन्स बॉडी सेंटर, और एक क्यूब का बॉडी डायगनल क्या होता है, क्यूब का बॉडी डायगनल होता है ए रूट थ्री। तो बॉडी सेंटर में आर की वैल्यू हो जाती है ए रूट थ्री बाय फोर, या ए की क्या वैल्यू हो गई, फोर आर बाय रूट थ्री, ए बी सी सी, ये आप नोट कर लीजिए। बात करें एफ सी सी, एफ सी सी में फोर आर होता था आपका फेस डायगनल, फेस सेंटर, तो एक आपका फेस डायगनल कितना होता है ए रूट टू, तो फेस डायगनल आपका ए रूट टू होता है, तो ए रूट टू के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, फोर आर अपॉन रूट टू, ये इसे अगर हम कॉन्जुगेट करें तो क्या हो जाएगा, फोर रूट टू आर डिवाइडेड बाय टू, तो ये आएगा टू रूट टू आर। ठीक है, ये था। अब इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए, ए बी सी सी और ए एफ सी सी। तो जब हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिएगा या इसमें कर देते हैं हम, जब हम ये रेशो निकालेंगे डेंसिटी का, तो एक चीज़ में जो आपको मिस्टेकन पॉइंट बता रहा था जो समझ लेते हो आप, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात है मोलर मास, मोलर मास भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। अब आप क्या करते हो कि इसे भी कांस्टेंट समझ के हटा दोगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस कांस्टेंट है सिर्फ, जो मैंने बताया था कि ए डिपेंड्स ऑन आर, वो बात सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ए की जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप वो तो पुट करोगे ना, तो ये आपकी इस चीज़ पर डिपेंड कर गया, तो डी डिपेंड्स ऑन जेड अपॉन ए क्यू एन ए। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है लॉजिकल थिंकिंग का, अब हमें बस करना है फोकस आपका मैथमेटिकल पोर्शन पर। इस ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसे नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही स्लो लग रही होगी स्पीड, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार में समझना चाहते हैं और दोबारा गलती ना हो। जिन्होंने थोड़ा बहुत ऑलरेडी कर रखा है वो आपका कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, ये इसे 2x की स्पीड पर देख सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, बात करें इसकी बी सी सी डेंसिटी ऑफ बी सी सी टू डेंसिटी ऑफ एफ सी सी, तो इस जेड अपॉन ए क्यूब पर डिपेंड कर गया, तो जेड डी तो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जेड बी सी सी ऐसे लिखते हैं हम, और डेंसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जेड एफ सी सी, डेंसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो है उसके सामने लिखेंगे मल्टीप्लाई। ए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो ए बी सी सी जो होगा ए क्यूब बी सी सी वो नीचे आएगा, और ए क्यूब एफ सी सी जो होगा वो ऊपर, क्योंकि इन्वर्सली होगा ना, इस तरीके से लिखते हैं आप, ये देख लीजिए। ठीक है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सामने आ जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जेड बी सी सी क्या है, हम बता चुके हैं आपको एक बार, टू, और इसमें जेड एफ सी सी होता है फोर, चार एटम होते हैं यूनिट सेल में। ठीक है,
अब AFCC हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कितना आया था, दोबारा देख लीजिए नहीं समझ आया तो। A4R इज इक्वल टू फेस A√2, तो A आ जाएगा 4R/√2। इसे कॉन्जुगेट ना करके हम डायरेक्ट अगर रखें तो 4R/√2 A³। हाँ FCC तो यही है, और आपका BCC में क्या था, 4R इज इक्वल टू A√3, तो ये आएगा 4R/√3 का होल क्यूब। भाई 4R ऊपर है चाहे क्यूब हो तो कट जाएगा ये तो, ठीक है। अब ये नीचे वालों की आपस में, ऊपर वालों की आपस में, भाई ऊपर वाले तो कट गए, अब नीचे वाले बचे √3, ऊपर आएगा √3³ और आपका √2³ नीचे आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो फर्दर क्या बचा, इसे हम रब कर देंगे, फर्दर आपकी चीज बची 1/2 इंटू √3 का क्यूब क्या होगा, √3 इंटू √3, 3 इंटू √3, 3√3। √2 का क्यूब क्या होगा, √2 इंटू √2, 2 इंटू √2, 2√2, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके की रेशियो आपके सामने आ चुकी है, और इसे हम सॉल्व करें तो 3√3 / 2 × 2 = 4, 4√2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपके ऑप्शन में ये फाइनल आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है, 3√3 / 4√2, यस दैट इज ऑप्शन सी। आप अपने PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात की जाए, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विद शॉटकी डिफेक्ट, क्या शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है? नहीं, आपकी होती है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ए तो सही हो गया। NaCl इज इंसुलेटर अगर सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। और सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर, सही बात है। सिल्वर एक कंडक्टर है, ये भी सही बात है। क्वार्ट्स एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, यह आपको हमने चैप्टर में नहीं बताया, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वार्ट्स इज अ पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल। थर्ड इसमें आया, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं, थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है आपका, फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको जो कैटायंस और एनायंस का जो साइज है वो आपका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल हो गया तो वो ऑक्यूपाई ही नहीं कर पाएंगे इंटरस्टिशियल साइट्स को। ऑप्शन डी देखते हैं लास्ट, तो सी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, एक बार लास्ट और देख लें। लास्ट है, FeO 0.98 हैज नॉन स्टोकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। 0.98 नहीं होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। क्यों पॉइंट होता गया है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं मेटल डेफिशिएंसी की वजह से, वो FeXO शो करता है, जहाँ पर X की वैल्यू, नोट करने वाली बात है, जहाँ पर X की वैल्यू 0.93 से 0.96 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी इज शोन बाय आयरन 0.98, नो 0.93 से 0.96 होगी तो 0.98 कैसे शो करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT में भी देखने को मिल सकता है, मिल कह सकता है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि फॉर्मूला निकल ऑक्साइड का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के साथ किसी भी क्रिस्टल में है Ni 0.98 O, ये आपका फॉर्मूला है निकल ऑक्साइड का किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है।
क्रिस्टल कंटेन करता है Na+2 एंड Na+3 आयंस। ठीक है, क्रिस्टल में क्या क्या है आपके? निकल जो कंटेन करता है Na+2 एंड Na+3 आयंस, ये दो तरीके के आयंस हैं। और क्या कह रहे हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज Na+2 आयंस इन द क्रिस्टल इज, तो फ्रैक्शन ऑफ निकल बताइए Na+2 आयंस का जो कि क्रिस्टल में मौजूद है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीके से करें, अगर ये हमें बताया गया है तो सपोज कर लेते हैं कि Na+2 आयंस का फ्रैक्शन चाहिए ना हमें, तो सपोज कर लेते हैं कि Na+2 आयंस की जो वैल्यू है वो एक्स है, Na+2 आयंस की जो वैल्यू है वो एक्स है, तो ऑटोमेटिकली जब टोटल 0.98 है तो Na+3 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.98 माइनस एक्स, वो टोटल में से Na+2 घटा दिए बचे क्या Na+3। अब खेलते हैं हम चार्ज गेम। चार्ज का गेम क्या होगा भाई, किसी भी कोई भी दुनिया का कंपाउंड हो उस पर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि वो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। कोई ऑक्साइड है जैसे, तो ऑक्साइड है जैसे निकल का, अब निकल पे तो आपका कितना चार्ज हो जाएगा, निकल पे जो चार्ज होगा आपका, आपके 2+2 × x कर देंगे हम, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 × x मान लीजिए हमें इतने हैं, इसमें आप ऐड कर देंगे, ये कितने हैं 0.98 माइनस एक्स, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, उस पर इतना चार्ज होगा और हैं कितने, 3 चार्ज हैं। बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज, सबको पता होगा आपको, इनऑर्गेनिक में भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हम कैसे भी खेल सकते हैं, चाहे इसे इधर ले आइए, 2x+3 × 0.98 − x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसका फ्रैक्शन निकाल लिया जाएगा, तो सॉल्व करके हम देखें, वक्त ज़ाया ना करें या ऐसे ही कर लीजिए, इसमें ज़ाया की क्या बात है, 0.98 × 38324 93279 2.94 आ गया आपका, तो 2x+2.94 − 3x = 2, तो 2x में से 3x गए, −x+2.94 = 2, एक्स क्या आ गया 2.94, तो एक्स आ गया 0.94, एक्स 0.94 आ गया। अब आपका होगा फ्रैक्शन का गेम, तो फ्रैक्शन का गेम हम ऊपर यहीं कर लेंगे, स्पेस होगा इतना। तो हमें Na+2 का फ्रैक्शन चाहिए टोटल में से, भाई टोटल का फ्रैक्शन चाहिए तो टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ जो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है Na+2 क्या होगा, 0.94 / 0.98 × 100। फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकालते हो भाई, जिसका पूछा है, जिससे रिलेटेड पूछा है, टोटल से रिलेटेड कंपाउंड में × 100, ये से जाएगा ये से जाएगा, अप्रोक्स ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.96, तो 0.96 आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, 0.96 आपका आंसर है 24 का, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एलिमेंट बी जो है वो बना रहा है आपका CCP स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सोच लेते हैं कि CCP में कितने एटम होंगे, जो कि कई बार आपको याद नहीं रहता, वैसे 4 होते हैं लेकिन CCP SCP इनके एटम्स अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखते हैं। एलिमेंट बी जो है आपका CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो CCP स्ट्रक्चर में मान लीजिए एन एटम्स हैं, हम तो कह रहे हैं एन एटम्स हैं, बिल्कुल सही बात है, तो एक तरीके से ये टोटली तो है, पूरे स्ट्रक्चर में एन एटम्स हैं भाई, CCP स्ट्रक्चर है पूरा एन एटम्स का बना है। नेक्स्ट चीज़ वो आपसे कह रहे हैं एटम ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, तो पहली बात तो आप ये
रिमेम्बर करिए कि हमने सॉलिड स्टेट में बताया था कि जितने टोटल एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। तो टोटल तो एन है, लेकिन वो कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हाफ ऑक्यूपाई कर रहे हैं एटम ए। तो एटम ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जनरली कितने होते हैं? जितने टोटल है उसका हाफ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। थर्ड चीज उन्होंने कही, ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो सारे ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की आपने एक वो चीज़ पढ़ी होगी, वो भी हमने लेक्चर में बताया था, पढ़ी क्या होगी, हमसे ही पढ़ी होगी कि जितने एटम्स होते हैं टोटल उसके ट्वाइस ऑफ नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, और ऑक्सीजन एटम सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बस आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म। अगर हम देखें रेशो ए इज टू बी इज टू ओ का, ए कितने हैं आपके हाफ, एन को कैंसिल कर दीजिए, बी कितने हैं वन, और आपका ओ कितना है टू, इनमें टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर सिंप्लिसिटी। टू वन जा टू रेशो टू वन जा टू है ना, और आपका टू टू या फोर। तो ए वन है बी टू है ओ फोर है, तो ए बी टू ओ फोर दैट इज शायद ये आपका ऑप्शन ए है एंड दैट इज द आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए हमें कैल्शियम प्लस टू का और फ्लोराइड एफ माइनस का। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम प्लस टू के और फ्लोरीन एफ माइनस के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है? तो ये हमने आपको बता चुके हैं, हम आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाते हुए ये भी हम बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने चैप्टर्स में चीज़ें कवर की। तो कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2 होता है फॉर्मूला, और इसमें मैंने बताया था कि जो ज़्यादा इन नंबर होगा उसका इन रियल कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो 8:4 की उसमें ये आपके पाए जाते हैं। तो कैल्शियम आयंस हो गए आपके कितने 8 और फ्लोरीन होंगे 4। तो दैट इज द ऑप्शन सी आपको जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक उसी पे डिपेंड आ गया कि एक कंपाउंड जो है वो कैटायन सी और एनायन ए से बना है, ठीक है? एनायंस जो है वो HCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो कैटायंस है वो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बताइए कंपाउंड का। भाई इन्होंने कह दिया कि जो एनायंस है, तो एनायंस ए मान लिया हमने, ठीक है, ये बना रहे हैं आपका क्या HCP स्ट्रक्चर। तो टोटल हम मान लेते हैं NHCP, भाई हमें तो नहीं पता कितने होते हैं, तो N मान लीजिए। दूसरे क्या है? कैटायंस। कैटायंस क्या है? 75% 75% को आप 3/4 भी लिख सकते हो। 75% ऑफ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? जितने ये होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो ये हो जाए 3N/4। फॉर्मूला बता दीजिए C2A का। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन हमारे C2A की रेशो में है, तो हमें C2A के रेशो में ही निकालना पड़ेगा। C कितना है? 3N/4। N को हम हटा देंगे तो 3/4, और ये कितना है 1। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 4 से 4 तो C3A4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड कह देता, साइड में हम थोड़ा और आपको सिखा दें, 3/4 अगर ये, तो टेट्राहेड्रल ट्वाइस होते हैं, 2N हो जाता, वो N ही रहता, N काट दें तो ये हो जाएगा 6/4:1 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये जाएगा C6 और A4, C6A4 या 2 से हम काटें तो C3A2। ये टेट्राहेड्रल वॉइड अगर कहता, तो आपका 75% टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है आपका अकॉर्डिंग टू द 75%
ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये कैसे भी पूछ सकता है आपको? बेसिक से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितने टेट्राहेड्रल होंगे अगर टोटल एन है, और कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे अगर टोटल एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक कौन सी प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी है जिसकी सारी अनइक्वल एज लेंथ, मीन्स उनकी जो एज लेंथ है वो कोई भी इक्वल नहीं है, और जितने भी एक्सियल एंगल्स हैं वो सारे के सारे 90 से अलग हैं। तो आपको हमने बताया था चैप्टर पढ़ाते समय कि एक ट्राइक्लिनिक ही ऐसी आपकी यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसमें ना तो एंगल्स इक्वल हैं, ना तो एक्सियल एंगल्स इक्वल हैं, ना ही एक्सियल डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो इसका आंसर होगा ट्राइक्लिनिक, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ये, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड, सिलिकॉन को किस एलिमेंट से डोप करें जिससे हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाए। तो सिलिकॉन में ऐसा कौन सा एलिमेंट की डोपिंग करें जिससे हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्राप्ति हो? तो सिलिकॉन में हमें पी टाइप, पहले तो जानिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिलता है जब आप डोप करते हो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, ग्रुप 13 एलिमेंट्स को इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है? तो जब ग्रुप 13 एलिमेंट्स की वो होगी डोपिंग तो पी टाइप मिलेगा, और ग्रुप 15 एलिमेंट्स की करोगे तो एन टाइप मिलेगा। तो इन ऑप्शंस में बस आपको ढूंढना है कि ग्रुप 13 का कौन सा है। तो ग्रुप 13 का आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी, बोरोन। बोरोन इज ग्रुप 13 एलिमेंट, तो बोरोन की डोपिंग करोगे तो पी टाइप मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहे हैं कि अगर ए स्टैंड करता है एज लेंथ से किसी भी क्यूबिक सिस्टम का, तो बताइए मैं सिंपल क्यूबिक कॉमा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देन रेशो बताइए रेडियाई ऑफ द स्फीयर इन दी सिस्टम रेस्पेक्टिवली। सिंपल टू बॉडी टू फेस, इनमें रेडियस का रेशो बताइए अगर ए से हम एज लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपल में तो आपका क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2r, आप देखते हो सिंपल में। बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के क्या हम पहले डिस्कस नहीं कर चुके पिछले क्वेश्चंस में? तो सिंपल का हो गया, एक बार और देख लीजिएगा। सिंपल का रेडियस होता है a बाय रूट टू, ए बाय टू सॉरी। बॉडी का होता है आपका कितना, एक बार और देख लीजिए बॉडी का। तो बॉडी का रेडियस क्या हो गया, रूट थ्री ए बाय फोर। और आपका फेस का, फेस सेंटर का कितना होगा, तो फेस सेंटर का कितना हो गया आपका रेडियस, ए रूट टू बाय फोर, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसमें रेशो देखते हैं। सिंपल टू बॉडी टू फेस एस बी एफ हो जाएगा, ए को हम अगर काट दें या कॉमन ले लें तो हाफ रेशो रूट थ्री इज टू फोर रेशो आपका रूट टू इज टू फोर, ये रेशो है आपका निकल के। तो क्या ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है? इन्होंने ए कॉमन नहीं लिया, इन्होंने आपका ए को रहने दिया। तो ऑप्शन में हम ए रहने देते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इन्होंने, इसमें क्या सॉल्व किया, रूट टू बाय फोर है, तो रूट टू बाय फोर को आप कैसे लिख सकते हो, फोर को कैसे लिख सकते हो, टू इंटू टू, और रूट टू से ये रूट टू टाइम्स कट जाएगा, तो वन अपॉन या ए अपॉन टू रूट टू ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भाई फ्री स्पेस बताइए बॉडी सेंटर्ड में, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने का क्वेश्चन। आपको पता है बॉडी सेंटर्ड में हमने बताया था पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, मींस 68% ऑक्यूपाई स्पेस है। तो फ्री कितना हो गया, फ्री ऑब्वियसली आपका हो जाएगा 32%, और 32% आपका कौन सा ऑप्शन है, 32% आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि लिथियम एटम जो है वो बॉडी सेंटर्ड उसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी एज लेंथ हमें दे रखी है, एज लेंथ हमें कितनी गिवन है? एज लेंथ हमें गिवन है 351 पिकोमीटर, 351 पिकोमीटर है एज लेंथ हमें गिवन है, बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा ना रेडियस कितना होगा, भाई बीसीसी में रेडियस, वही रिपीट क्वेश्चन है, बीसीसी में कितना रेडियस होगा? 4 इधर आ जाएगा तो ए रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सिंपल कैलकुलेशन, 351 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए, ऐसी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, ठीक है। हम यहाँ अभी टाइम हमारा बहुत हो गया है, टाइम सेव करने के लिए हम अभी डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। आंसर इज़ 151.8 PM, 151.8 PM ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट भी हमारा वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ चुका है कि कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC में, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 361 PM। आपको बताना क्या है, आपको बतानी है रेडियस, रेडियस FCC की वही ए रूट 2/4 हो जाएगा, या इसे 4 को आप ऐसे लिख दो 2 × 2 तो ए अपॉन 2√2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 361 अपॉन 2 × 1.414 या 41 लिख सकते हैं। फिर से इसमें कोई दिक्कत आई कमेंट करिए और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपका आंसर देख लेते हैं हम डायरेक्ट, क्या गिवन है? डायरेक्ट आंसर इज 128 PM, 128 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन डी, 128 पिकोमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, प्रीवियस ईयर भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि भाई एक आपका ए बी कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइज करा है बॉडी सेंटर्ड लैटिस में, एज लेंथ उसकी ए है, दैट इज 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिस, टू अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में कितना डिस्टेंस? तो एक चीज़ आपको जो नोट करने वाली है, आप पहले डायगनल समझिए कि एक डायगनल होता क्या है क्यूब के अंदर। तो जो डायगनल होगा, एक जो बॉडी डायगनल है उसमें दो आपके एटम आते हैं, ये 4R 4R जो करते हैं हम क्यों करते हैं, तो एक उसमें कितनी होगी R, दूसरे में R, तीसरे में R, चौथे में R, तो चार रेडियस होगी, 4R मिलके बनाते हैं और बॉडी डायगनल होगा ए रूट 3। वो हमसे रेडियस नहीं पूछ रहे, वो हमसे पूछ रहे हैं दो जो एटम हैं इनके अपोजिटली चार्ज उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो भाई जो डायगनल होगा उसका हाफ ही तो होगा ये, भाई डायगनल का हाफ ही तो दो अपोजिट उसमें वो देगा, इस डिस्टेंस का हाफ ही तो ये बताएगा कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ए रूट थ्री का जो डायगनल की जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमेशा आपको बताएगा, इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ए रूट 3/2 होगा इसका, तो ए रूट 3/2, ए कितना है? आई थिंक 387 गिवन है, 387 ही है, 387 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 2, इसका फाइनल आंसर आप सॉल्व करिए। और हम जो आपको बता रहे हैं इसका फाइनल आंसर, दैट इज 335 पिको मीटर, 335 पिको मीटर कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक
लैटिस द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर। तो डायमीटर बताइए मेटल एटम का। तो इसमें हमसे कह रहे हैं कि एक आपका मेटल है जो क्रिस्टलाइज करा है FCC में, और जिसकी एज लेंथ आपको दे रखी है ऑलरेडी, उसका आपसे पूछ रहे हैं डायमीटर। तो डायमीटर हम कैसे बताएं? FCC स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपको देखना होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी वो होती है रेडियस, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑब्वियसली अगर हम बात करें FCC स्ट्रक्चर में, FCC स्ट्रक्चर में रेडियस हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, घूम फिर के क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। तो FCC स्ट्रक्चर में रेडियस आपने पढ़ी थी R इज इक्वल टू एक चीज़ क्या, ए रूट टू डिवाइडेड बाय 4, या इसे हम ऐसे भी लिखते थे ए अपॉन 2√2, जब ये 2 × 2 और ये √2 कट जाएगा, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। एक चीज़ नोट करने वाली है, हमसे पूछा है कि डायमीटर बताइए, हमसे क्या पूछा है कि डायमीटर बताइए। तो जब हमसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है आपका रेडियस का दुगना। तो जो आर की वैल्यू होगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और वही वैल्यू आंसर होगी। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, एज लेंथ हमें गिवन है, एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर, तो आर इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर √2/4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी इसमें भाई, 4 से अगर हम इसे सॉल्व करें, 4 1 0 और 2, तो 102 आ जाएगा। 102 की मल्टीप्लाई √2 में करें अगर, 102 1.41, तो 2 0 1 4 2 8 0 4 और 102 इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 4 1, ये आ जाएगा 2 1 4 3.82। अब 1.3482 जो है इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 2 में, क्योंकि डायमीटर होता है रेडियस का दुगना। इसकी मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे, 1.43.82 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे, तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 6 7, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 287.64। तो क्या हमारा ऑप्शन में 287.64 है? क्या इस तरीके का आंसर है? जी हाँ, 288 पिकोमीटर हमारा आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली 287.64। इसे हम क्या कर देंगे, 288 पिकोमीटर अप्रॉक्स मान के, ठीक है। फर्क ही कितना है, 0.3 का फर्क रहेगा, 0.36 आई थिंक। हाँ, तो अपना अप्रॉक्स मान के ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो आंसर इज 4। बिल्कुल नहीं, एक चीज नोट करने वाली है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम पूछ रहा है आपसे। ये लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, लैंग्वेज से अगर मार्क्स कटते हैं तो बहुत दुख होता है, तो लैंग्वेज पे ज़रूर फोकस करिए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर पूछे CCP स्ट्रक्चर में, दैट इज 4, बट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम दैट इज 1। भाई 4 में 4, तो 1 में कितना होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट थोड़ा फिर से वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, कि स्ट्रक्चर जो है किसी मिक्स्ड ऑक्साइड का क्यूबिक क्लोज पैक CCP में है, तो क्यूबिक यूनिट सेल मिक्स ऑक्साइड की कंपोज ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डायवेलेंट मेटल ए। कोई डायवेलेंट मेटल ए है, वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या कह रखा है हमसे इन्होंने, हमसे इन्होंने कह रखा है कि 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। मान लीजिए टोटल हमारा, टोटल जो भी है
सीसीपी में वो एन है, तो इन्होंने 1/4 ऑफ कितना टेट्राहेड्रल वॉइड का ए ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दुगने, तो उनका भी 1/4 कर रखा है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द मोनोएड बी, बी ने क्या कर रखे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बता, अरे इससे सिंपल क्या होगा भाई, ठीक है। तो ऑक्साइड आयंस क्या है, एन है, या टोटल की जगह हम ऑक्साइड कर देते हैं, इन्होंने मेंशन कर रखा है क्योंकि ऑक्साइड आयंस आपके वो बना रहे हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो ए बी ओ की फॉर्म में देखें, ए रेशो बी रेशो 4 O O, तो हमें क्या मिलता है, क्या फंस गया इसमें, मार्कर बदलना पड़ेगा, ठीक है। ए हो गया आपके n/2, यानी कि हाफ लिख सकते हैं, एन कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों 1:1 है। 2 से मल्टीप्लाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए है ना, और Ab2O2। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में है कहीं Ab2O2? जी हाँ, Ab2O2 ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक मेटल है जो कि FCC में है, नोट कर लीजिए पहले क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे नोट कर लेना चाहिए। एज लेंथ है उसकी, हाँ वो बच्चों वाला खेल, 404 पिकोमीटर। बात करें डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगी 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, इसमें मोलर मास दे रखा है या नहीं, मोलर मास हमसे पूछा है, और क्या चीज़ है भाई, एवोगैड्रो कांस्टेंट की तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, शायद मैंने इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में आपसे वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ अभी, 6.010 to 10 to the power 23 या 24, 23 होती है, ठीक है। यूनिट इसकी याद होनी चाहिए पर मोल, ठीक है, यूनिट का कुछ नहीं है, पर मोल, ठीक है। अब इसका डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सिंपल रखना है, Z(mm)a³ (na), जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं पता नहीं। तो सॉलिड स्टेट में आप चीज़ नोटिस करोगे, कुछ दो या चार चीज़ें हैं जिनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन, एक तो रेडियस वाला आपको फोकस रखना है, रेडियस BCC में, सिंपल में या FCC में कितनी होती है। दूसरी चीज़ वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो आए हैं अभी, Ab2O2 या ऐसे किस तरीके की, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, सब बता चुके हैं हम। तीसरी चीज़ आपने ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो है ना, तो इस तरीके के थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दें कि डायमीटर बता दो या दो अपोजिट चार्ज उसके बीच में डिस्टेंस बता दो, वो डायगनल का हाफ होगा और डायमीटर पूछा है तो वो रेडियस की दुगनी होगी, ठीक है। या वही अपना डेंसिटी पूछिए आपसे, डेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, तो डेंसिटी के लिए हम चाहिए क्या, हमें चाहिए जेड, जेड हमें पता है FCC में 4 होता है, एम हमें निकालना है, डेंसिटी दे रखी है 2.72, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब आपका ए दे रखा है, एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिए, ए क्यूब में पिकोमीटर जो है, एक होता है नैनो एक होता है पीको, तो पीको होता है 10 to the power -12, एक पिकोमीटर में 10 to the power -12 मीटर होते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, छोटी सी चीज़ है इसे नोट कर लीजिए, एक पिकोमीटर में 10 to the power -3 वो -12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे तो 404 × 10 to the power -12 का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और जो कैलकुलेशन होगी, अगर नहीं होगी तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, जैसे कि आप डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही, और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं इजीली तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बस फॉर्मूला लगना था और आपको कुछ चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में, एवोगैड्रो नंबर भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, कि क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल, कि डायमंड की यूनिट सेल है उसमें पर यूनिट सेल
कार्बन के कितने एटम्स होंगे? तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ZnS जिंक सल्फाइड की तरह होता है, ठीक है। डायमंड के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल है, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, 6 फेस सेंटर्ड होते हैं और 4 क्या होते हैं आपके और होते हैं टेट्राहेड्रल की वॉइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ये जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके हो जाते हैं 8, ठीक है। तो 4 तो इनसाइड स्ट्रक्चर और आपके 6 फेस सेंटर्ड हो जाते हैं, है ना, और आपका क्या होता है 8 आपके कॉर्नर एटम्स हो जाते हैं। तो कॉर्नर का कितना होगा, 8 × 1/8 दैट इज 1, कॉर्नर का होगा 8 × 1/8 जैसा हमेशा करते हैं हम, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और आपके कितने होंगे फेस सेंटर्ड, कितने 6, तो 6 एक फेस सेंटर्ड जो है वो हाफ घेरता है एक उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ कितनी है आपके, 4 कितने हैं, 4 हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्म में, ये उतने ही रहेंगे। तो 4 + 3 = 7 एंड +1 दैट इज 8। तो ये होते हैं डायमंड के अंदर एटम्स, किसके, कार्बन के, कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहली स्टेटमेंट आई है कि दे आर केमिकली रिएक्टिव। क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड केमिकली रिएक्टिव होते हैं, सोचिए। नहीं, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते, रीजंस हो सकते हैं इसका। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में होता क्या है बेसिकली समझिए, स्मॉल एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, ठीक है, वो वॉइड की साइट्स में एंटर करते हैं पैक्ड एटम्स के बीच में, तो मेटेलिक कंडक्टिविटी वो रिटेन कर लेते हैं, इसीलिए वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। मीन्स इनर्ट मीन्स जो रिएक्ट ना करें किसी से भी, है ना, क्योंकि उसमें पैक हो जाते हैं एकदम इंटरस्टिशियल साइट में जा करके वो पैक हो जाते हैं, जिससे कि वो केमिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दे आर केमिकली इनर्ट एंड नॉट रिएक्टिव। दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल। जी हाँ, वो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि पैक्ड रहते हैं वो। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन प्योर मेटल। जी हाँ, उनके भाई जब वो हार्ड होगी कोई चीज़ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हार्ड होगा, वो पिघलने में टाइम लगाएगी मेल्ट होने में। एंड लास्ट इज दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, जो कि हम बता चुके हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी को वो रिटेन करे रखते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। तो यही रीजंस हैं जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को इनर्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी अगर हम बात करें, दैट इज एक सॉलिड कंपाउंड है XY जिसका NaCl की तरह स्ट्रक्चर है। अगर कैटायन का रेडियस 100 पिकोमीटर है तो एनायन का रेडियस कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। एक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर NaCl की तरह है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपका कैटायन का रेडियस, जो कैटायन है आपके दो तरीके, एक तो एनायन है एक कैटायन है, तो कैटायन का जो रेडियस है वो 100 पिकोमीटर है तो एनायन का क्या रेडियस होगा। तो सबसे पहले हमें चीज़ समझनी होगी रेडियस रेशो। आप लोगों को याद होगा हमने एक रेडियस रेशो नाम की चीज़ डिस्कस की थी जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, और रेडियस रेशो में हमने पढ़ा था कि उसमें 4 तरीके की रेडियस रेशो देखी थी हमने, है ना। तो NaCl की जब हम रेडियस रेशो की बात करें तो NaCl के केस में रेडियस रेशो निकल करके आई थी R पॉजिटिव टू R नेगेटिव कहते थे हम इसे, और इस केस में आई थी 0.414 के इक्वल। बस हो गया क्वेश्चन भाई, ये दे रखी है ये निकालनी है। तो R नेगेटिव कितना हो गया 0.41 R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0.414। R पॉजिटिव कितनी है, कितनी दे रखी है आपको,
आर पॉजिटिव इज गिवन 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर, इसे डिवाइड कर दिया जाए 0.414 से। तो कैलकुलेटर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, 100 पिकोमीटर को अगर डिवाइड कर दिया जाए 0.414 से, यानी कि ये तो हो जाएगा 10 to the power, ये 12, ये क्या कर दिया, -12, तो ये हो जाएगा 10 to the power -10, तो 1/0.414 करिए, 2.41 2.41 × 10 to the power -10, या फिर आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, 241 पिकोमीटर। अगर हम इसे पिकोमीटर की ही फॉर्म में लें तो इसे हम 241.5 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया जी। तो इसी के साथ हमने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमने क्वेश्चन जो है, हमने आपने क्या चीज़ नोटिस की कि प्रीवियस ईयर जो है उसमें क्वेश्चंस सेम तरीके के आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो रहा है। जो टॉपिक्स हमने छोड़ दिए वो टॉपिक्स आपके जेई मेन में आए हैं या फिर वो, तो वो आपके लिए नीट के लिए रेलेवेंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने नीट के सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो कवर किए और 2-3 क्वेश्चन हमने थोड़े सही लेवल के भी रखे। इन क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, उसमें भी लगभग हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे एवरी चैप्टर में, जिससे आपका आपके 3-4 टॉपिक्स तो एटलीस्ट स्ट्रांग हो जाएं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी तरफ से शीट्स कर रहे हैं उनमें जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उसकी भी चिंता मत करिए, उसके लिए हमने एक टीम तैयार कर ली है। आप जो भी डाउट्स हों आपके, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे आपका बायो, फिजिक्स में भी PYQ, ठीक है। अभी फिजिक्स का तो थोड़ा हम लेट में करेंगे, देखते हैं जैसे भी होगा, लेकिन केमिस्ट्री एंड बायो में तो डाउट्स होगा नहीं। बायो की हम सोच रहे हैं नीट बायो शॉर्ट्स करके एक आपका बना लें, उसमें बायो के शॉर्ट्स मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग अप्रोक्स आपके 30 सेकेंड to 1 मिनट के हम उसमें शॉर्ट्स तैयार करेंगे, है ना। उसमें हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बायो के, जितने भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे कुछ हो, तो उसमें हम वो कवर अप करेंगे और इतने हम PYQ सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको ये PYQ सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें द नीडी वंस के साथ, जिन्हें ज़रूरत है नीड में सेलेक्शन की उनके साथ शेयर करें, और आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।